स्पाइसी क्रिस्पी जूसी मसालेदार बंगड़ा रवा फ्राई इस तरह से एक बार खाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे, पक्का गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। दो बड़े साइज के बंगड़ा मछली ले लिया है, अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 नींबू का रस ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, छोटा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। इन सारी चीज़ों को मछलियों के साथ में अच्छे से मिला लेना है। ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है। और हाँ, मछलियों में बिल्कुल भी पानी नहीं होनी चाहिए। पानी होने से क्या होता है, मसाला नमक मिर्च अच्छे से जाता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पानी होता है। इसे ढक के 10 से 15 मिनट रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। एक थाली में हम लेंगे 1/6 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/6 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/6 चम्मच अग्री मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक मसाला के अनुसार 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। अगर आपके पास अग्री या मालवनी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला ऐड करें। यहाँ पर मैंने इमली को भिगो के रखा था। थोड़ी सी इमली का पानी ऐड करेंगे और इसे मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करें, एक साथ में ऐड करने से मसाला पतला भी हो सकता है। अच्छे से हमने मसालों को तैयारी कर लिया है। 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल भी डालेंगे। अच्छे से मिला लिया है। अब हम इन सारे मसाला को मछलियों के चारों तरफ अच्छे से मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे अग्री मसाला ऐड किया है। अगर आपके पास अग्री मसाला नहीं है तो आप फिश मसाला या 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दे। फिश के ऊपर जो हमने चीरा लगाया है ना, ये चीरे के अंदर भी मसाला को इस तरह से लगा लेना है। मसाला लगाने के बाद कम से कम आधे से 1 घंटे तक हम इसे ढक के रखेंगे। इसे साइड कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। एक थाली में लेंगे 2 चम्मच रवा या सूजी, 1 चम्मच भर के राइस का आटा लेंगे और इन मसाला के अनुसार थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और इन सारे मसाला को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लिया है। चारों तरफ इसे इस तरह से थोड़ा सा फैला देना है। अब हम इसमें एक एक करके फिश डालेंगे और फिश के चारों तरफ इसे लगा लेना है। हाथ में बिल्कुल भी पानी नहीं होनी चाहिए और हाथ से अगर आप फिश पकड़ेंगे ना तो पूरा मसाला आपके हाथ में लग जाएगा। चाहे तो आप 1 चम्मच ले ले या 2 चम्मच ले ले और चम्मच से इस तरह से मसाला को अच्छे से फिश के ऊपर लगा ले। अच्छे से इसे लगा लिया। अब हम इसे इस तरह से टैप करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो है वो नीचे गिर जाए। तो देखिए, इसे साइड कर देंगे और जो दूसरा फिश है इसे भी हमें इस तरह से चारों तरफ सूजी को लगा लेना है। अच्छे से हमने इसे भी लगा लिया है। मैंने सिर्फ 2 ही लिया है। आप चाहे कितने भी क्वांटिटी में बनाएं, प्रोसेस आप यही रखना। इसे साइड कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। इसे हम तवे पे बनाएंगे तो जो सूजी यानी रवा फ्राई का जो फिश होता है ना, ऑयल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसे तवे पे बनाऊंगी। आप चाहे तो फ्राइंग पैन में भी बना सकते हो। ऑयल को मीडियम गर्म करेंगे और मीडियम फ्लेम में रख के मछलियों के एक साइड 3 से 4 मिनट पकने देंगे। ध्यान रखिए मसाला जल ना जाए। 3-4 मिनट हम इसे धीरे धीरे पकने देंगे। 3-4 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। पलटते समय आप इस तरह से पलट दें, काफ़ी बड़ा फिश है ये। और ऑपोजिट साइड भी हमें धीरे धीरे फ्राई करनी है। और अगर आप इस मछलियों को एकदम लो फ्लेम में पकाएंगे ना तो ऊपर का जो सूजी यानी जो मसाला है ना वो ऑयल में पूरा मिल जाएगा। तो इसलिए हमें गैस को मीडियम फ्लेम में रख के फिश के चारों तरफ इस तरह से घुमा घुमा कर पका लेना है ताकि फिश के चारों तरफ अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। और इस तरह से बीच बीच में देख लेना कि मसाला जल ना जाए। फिश को पकड़ के ये जो साइड होता है ना, साइड को भी आप इस तरह से फ्राई कर ले। कभी कभी ये वाला जो साइड है ना वो फ्राई नहीं होता अच्छे से, तो फिश को पलट करके इस तरह से फ्राई कर ले। फिश फ्राई बनके तैयार हो गया है
ऑयल छान के फिश को निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म ही खाना ज़रूरी है, तभी आपको टेस्ट लगेगा। अगर आप इसे फ्राई करके रख देते हो तो एक बार खाते समय फिर से आप इसे फ्राई कर ले, तो देखिए कितना क्रिस्पी जूसी और मसाला जो है ना अंदर तक चला गया है। आज के लिए इतना ही।